Okay, student, now move to question number 8. Yes. First of all, read the question. What is given? Yes. In a school, 46 students of 9th standard were told to measure the length of pencil in their compass boxes. Because I task diya hai ke 9th standard ke bachcho ko kya bola hai students ko ke measure the pencil. Aapke paas pencil hoti na? Haan, usko measure karna hai. Obviously, har ek ke paas student alag alag pencil hogi. Do pencil ki length same hogi maximum. Lekin sharpener ne kisi ne zyada sharp kiya hai to wo small hogi. किसी की थोड़ी सी बिग, तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन होंगे, अलग अलग सबका मेजरमेंट होगा. सो 46 स्टूडेंट को 9th स्टैंडर्ड के क्या बोला था कि मेजर देयर लेंथ ऑफ पेंसिल इन द कंपास बॉक्सेस इन सेंटीमीटर. मेजरमेंट कैसा करना है? सेंटीमीटर में, छोटी स्केल से आपके. द डेटा कलेक्टेड वॉज एज फॉलो. और फिर उन लोगों बच्चों से डेटा कलेक्ट किया है. नाउ What is next question? इसके आगे question क्या है? By taking exclusive classes. Exclusive means? Yes, continuous. जहां से end हो रहा है, वहीं से start होना है. Means 0 to 5, 5 to 15. पहले में अगर 5 का difference है, see student, class interval जब हम लेते हैं, classes जब लेते हैं, एक, अब suppose हम 5 दे रहे हैं, तो 5 में class width उतनी ही होनी चाहिए. दोनों में upper limit, lower limit में डिफरेंस उतना ही होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर हम पहले 0 टू 10, तो नेक्स्ट क्या होगा एक्सक्लूसिव में? 10 टू 20. 0 और 10, 10 टू 20, दोनों में 10. अगर हम ऊपर 0 टू 5 ले रहे हैं और नीचे 10 टू 20 ले रहे हैं, तो ऊपर डिफरेंस 5 का है और नीचे डिफरेंस 10 का होगा, तो ऐसे क्लास इंटरवल फॉर्म नहीं होगा. इज दैट क्लियर? विड्थ सबकी सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कैसे क्लास लेना है उन्होंने मेंशन किया है. बाय टेकिंग, यस, इंक्लूसिव क्लासेस. सी स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में, यस, आई थिंक उन्होंने बाय मिस्टेक इंक्लूसिव लिखा है. स्टूडेंट वहां पे क्या आना चाहिए? एक्सक्लूसिव. सी ना, 0 टू 5, 5 टू 10 रिपीट हो रहा है. अगर एक नम ऑब्जर्व लिमिट, जहां लोअर लिमिट अपर लिमिट था, वो नीचे लोअर लिमिट हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है? सच टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स आर कॉल्ड, यस, एक्सक्लूसिव टाइप. लेकिन प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा आपके नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में क्या उन्होंने इंक्लूसिव लिखा है. सो वहां पे आप करेक्शन करो, दैट इज एक्सक्लूसिव टाइप. ओके, प्रिपेयर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके स्टूडेंट, हम बनाएंगे, कैसे बनाना है? यस, फर्स्ट मेक द टेबल. हाउ मेनी कॉलम स्टूडेंट हियर? यस, वी हैव टू टेक 3 कॉलम्स. इन द फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट में क्लास, क्लासेस. सेकेंड टैली मार्क. एंड थर्ड, यस, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वी हैव टू टेक क्लासेस और क्लास इंटरवल, देन टैली मार्क, एंड लास्ट वी हैव टू टेक, यस, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके स्टूडेंट, व्हाट आर द क्लासेस? Write the classes. See student, the classes ki information kya hai? It is, yes, length of pencil. Length of pencil. You can write length of pencils in centimeter. Okay, now next, yes, tally mark. Tally mark. And frequency. ये क्या है student? Yes, number of student. Okay, ये length की pencil कितने student के पास है?
मीन्स अगर सपोज वो पेंसिल 10 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, तो इतने कितने स्टूडेंट के पास है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके आपको लेना है, यस वहां पे लिखा है, मेंशन है एक्सक्लूसिव, यस एक्सक्लूसिव क्लास फर्स्ट इज 0 to 5, मीन्स 5-5 का डिफरेंस है, 0 to 5, देन इससे स्टार्ट होगा, यस 5 to 10, 10 to 15, देन 15 to 20, इतना स्टूडेंट लास्ट, यस इतना ही 20 तक। ओके नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सी लिमिट कहाँ पे कंसिडर होगी, जैसा मैंने आपको बताया है यहाँ पे आपको 15 टू टाइम्स है, तो 20 की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, 20 अगर किसी किसके पेंसिल का मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो वो कहाँ पे होगा, किसी की पेंसिल का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम उसको कहाँ पे, सी यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो रिपीट हो गए, लेकिन यस यहाँ पे ऐसे कभी भी क्लास नहीं फॉर्म करने चाहिए स्टूडेंट के हम कंफ्यूज हो, ओवरलैपिंग इसी को बोलते हैं, ओवरलैपिंग मतलब दो में, यस एक ही नंबर दो क्लास में नहीं आएगा, एक नंबर एक ही क्लास में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन 10 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये तो एक्सक्लूसिव में ऐसा ही होता है, यस स्टूडेंट एक्सक्लूसिव मीन्स अपर लिमिट कंसिडर नहीं करते हैं, यहाँ तक अपर लिमिट कंसिडर नहीं करते हैं, तो 5 यहाँ पे नहीं आएगा, 5 यहाँ पे आएगा जो लोअर में होगा, 10 अपर में नहीं लोअर में काउंट, ये नंबर दैट मीन्स आपको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड के अपर लिमिट कंसिडर नहीं होगी, अपर लिमिट कंसिडर नहीं होगी, तो यहाँ पे कहां तक नंबर आ गया स्टूडेंट, 0 से 4.9, आपको पता है ना 1.1, 1.2, 1.3, क्लास में 1.9, फिर आता है 2, अगेन 2.1, 2.2, और लास्ट में होता है 2.9, तो उसके बाद आता है 3, फिर 3.1, 3.2, लास्ट में 3.9, देन इट बिकम 4, देन 4.1, 4.2, 4.9, लास्ट में आएगा 5. 0.9 मीन्स 1 ऐड करने पर नेक्स्ट होल नंबर बनता है, 1.9 में 1 ऐड करेंगे मतलब 0.1 ऐड करेंगे, यस इट इज 2. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे फ्रैक्शन के नंबर भी हम डेसिमल जो नंबर होते हैं उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास में कौन से आएंगे स्टूडेंट नंबर 0 to 4.9, इन सेकेंड 5 यहाँ पे इंक्लूड होगा, 5 to 10 नहीं होगा, 10 से 0.1 कम, यस 9.9, 5 to 9.9, अगेन फ्रॉम 10 to वॉट, यस 14.9, इससे 0.1 कम, और यहाँ पे 14.9 नहीं, यहाँ पे तो 15, इसको तो कंसिडर करेंगे ना, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे तो करेंगे 15 to, यहाँ पे लास्ट में भी कोई नहीं है तो 20 तक पूरा, अगर यहाँ पे 20 होता और नीचे भी 20 होता तो फिर यहाँ पे सिर्फ 19.9 तक, लेकिन ये एंड है खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे इज दैट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा, ना ऑब्जर्व नंबर 1 by 1 केयरफुली, यूज योर पेंसिल एंड उसको हम ये करेंगे, फर्स्ट जो नंबर लिख रहे हैं उसको हम कैंसिल करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर स्टूडेंट 16, कहाँ पे आएगा 16 कौन से क्लास में आएगा, यहाँ पे कहाँ पे 16 फिट होता है, यस इन द लास्ट क्लास 1 टेलीमार्क, नेक्स्ट 15 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, अपर लिमिट नहीं होगी लोअर लिमिट, तो 15 भी यहीं पे आएगी, इज दैट क्लियर, नेक्स्ट 7 कहाँ पे आएगा, 7 बिटवीन 5 to 10, इट इज 7, नेक्स्ट 4.5 यस फर्स्ट, नेक्स्ट 8.5 यस
एक टेंथ का है ना 8.5। नेक्स्ट 5.5 और बाद में 5 है, 5.5 और 5 भी यहीं पे आएगा, यस 4 हो गए हैं। नेक्स्ट 6.5 इसी में आएगा ना स्टूडेंट, यस 6.5 एंड अगेन 6। नेक्स्ट अभी फर्स्ट रो ही चल रही है हमारी, 10, 12 वेर इज 10 लोअर लिमिट, 10 एंड अगेन 12 बोथ यहाँ पे आएगी, 10, 12 10 से लेकर 14.9 तक के यही पे आने वाले, यस फर्स्ट हो गया। हाँ सेकेंड 13, 4.5 यस 4.5 इन द फर्स्ट, वेरी गुड स्टूडेंट। ना 4.9 and 16 है ना, यहाँ तक आएगा 4.9, 16 यस इन द लास्ट। नेक्स्ट 11, 9.2 10 के बाद 11, 9.2 यहाँ पे, यस। नेक्स्ट 7.3, 11.4 फिफ्थ वाला हमको क्रॉस करना है। 12.7, 13.9 वो तुम्हारे पे आएगी। 16, देन 5.5 यहाँ पे। नेक्स्ट 9.9, 8.4 यहाँ पे आएगा, 8.4 यहाँ पे। नेक्स्ट 11.4, 13.1, 11.4, 13.9 यहाँ पे, 13.1 सॉरी यहाँ पे आएगा। हाँ देन 15, 4.8, 15 यहाँ वाला 15। नेक्स्ट क्या बता बता 4.8 और 10 दोनों में स्टूडेंट कहाँ पे कंसिडर करेंगे, यस सेकेंड जो फर्स्ट में है लोअर लिमिट 10। नेक्स्ट 7.5, 8.5 एंड अगेन 9.5 ऑल एक में आए, 7.5, 8.5, 6.5 यस 7.2 अगेन यही। नेक्स्ट 4.5 यस। नेक्स्ट 5.7, 16 नेक्स्ट 5.7 अगेन 5.7 नेक्स्ट 6.9, 8.9 यहाँ पे यार स्टूडेंट तो आपको ये थोड़ी सी डिक्लेयर करनी होगी। यहाँ पे 10.2, 12.3 एक ही क्लास में 13.7, 14.5 and 10 यहाँ पे एंड 10 स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 10.2, 9.2 कंसीडर नहीं किया था ना, यस 9.2 यहाँ पे आएगा, यस। तो स्टूडेंट कैलकुलेट हाउ मच टोटल 5 हियर 5, 10, 15, 20 हियर 5, 10, 15 And here 5 and 1, 6 This student total. उन्हें बताया था ना student total how many students of 9th class
मेजरिंग द पेंसिल. यस टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट 46. तो हमारा आंसर भी 46 आना चाहिए. 5 5 10 10 प्लस 6 16 कैरी 1 2 3 और 4 यस ठीक 46 दैट इज कैपिटल N और समेशन सिग्मा x. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया आपको? सी यहाँ पे सिर्फ आपको क्लास ऑलरेडी दिया है, आपको सिर्फ प्रॉपर नंबर कहाँ पे आता है. सी 0 to 4.9 ऑल कम इन द फर्स्ट क्लास. 5 कहाँ पे आएगा? यस ऑब्वियसली जो फर्स्ट यहाँ पे 5 to 10 sorry 9.9 और 10 यहाँ पे टिल 14.9 15 यहाँ पे आएगा एंड टिल 19.9. लेकिन अगर 20 होता तो हम उसको यही कंसीडर करते क्योंकि नेक्स्ट क्लास नहीं है, लेकिन 20 है ही नहीं. तो 19.9 ऑल कम इन द लास्ट. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इतने नंबर हैं, तो जिस नंबर को आपने इंक्लूड किया है उसको कैंसिल करेंगे क्योंकि फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा नंबर रीड हुआ है नहीं हुआ. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसा कैलकुलेट करके कि हाउ मेनी फोर्स हैं फिर एक बार टैली मार्क्स ऐसे नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है और यहाँ पे एक साथ बहुत से नंबर एक ही ग्रुप में आते हैं ना. 0 से लेकर 4.9 मतलब 0 वाला 1 वाला 1.1 वाला 2 3.2 4.2 4.5 सब इसी में आएंगे. इसलिए 1 by 1 जिस नंबर को आपने चूज किया है रीड किया है क्रॉस करेंगे और पहले टैली मार्क करेंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट. विच टाइप ऑफ क्लास? यस इट इज एक्सक्लूसिव टाइप. एक्सक्लूसिव मीन्स कंटिन्यूअस. जहां पे एंड हो रहा है वहीं से नेक्स्ट क्लास क्या होगी? स्टार्ट होगी वहीं से. 0 to 5 5 to 10 इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस. रुका नहीं है, उसी को लेकर आगे कंटिन्यू किया है इन सिंपल वर्ड. ओके स्टूडेंट वेरी सिंपल. नाउ मूव टू नाइन्थ वन. Now, what is ninth one student? Read the question. In a village, the milk was collected from 50 milkmen. है ना? 50 milkmen ने milk collect किया है. At a collection center in liters. Okay? As given below. Now, what is question? By taking suitable classes. Now, अभी आप पे छोड़ दिया है कि आपको information देखो कैसे numbers हैं. According to that, you choose suitable classes and prepare grouped frequency distribution table. See, as same as the eighth one, but in eighth direct आपको उन्होंने class दिया था. यहाँ पे class नहीं है, तो आपको क्लास प्रॉपर सुटेबल क्लास सूट करना है, चूज करना है स्टूडेंट जो उस नंबर को सूट करे. तो हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, बिगेस्ट नंबर क्या है और मैक्सिमम नंबर कैसे आते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी चूज द क्लास. ओके फिर यहाँ पे डिफरेंट भी क्लासेस हो सकते हैं ना स्टूडेंट. यहाँ पे क्लासेस डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू वो लेगा, लेकिन ये चेंज हो सकता है. तो क्लास चेंज करेंगे तो आपका यस आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा. ओके सो व्हाट इज इन द फर्स्ट कॉलम? क्या लिखेंगे फर्स्ट क्लास? क्लास. और क्लास में क्या लिखने वाले हम स्टूडेंट? यस इट इज मिल्क इन लीटर्स. क्लास मिल्क इन लीटर्स. नेक्स्ट टैली मार्क्स. टैली मार्क्स एंड लास्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स
नंबर ऑफ मिल्कमैन, कितने मिल्कमैन हैं। ओके नाउ चिल्ड्रन, आप कैसे क्लास चूज करेंगे। नाउ सी व्हाट आर द नंबर सी, 27 है, 75 है, 5 है, या सिंगल डिजिट है, टू डिजिट है, तो मतलब स्मॉलेस्ट नंबर 5 है स्टूडेंट, इज दैट क्लियर ना, 5 है ना। यस यस 5, एंड आई थिंक बिगेस्ट नंबर इज 99, मतलब इन शॉर्ट 5 से लेकर 100 तक है, मीन्स 1 से लेकर 100, 1 तो नहीं है देखो, 5 से स्टार्ट है। तो स्टूडेंट कैसे क्लास लेंगे आप, सी 10-10 का भी रखते, क्योंकि 100 मतलब 10-10 में 100 नंबर है, मतलब टोटल 1 to 100, इन शॉर्ट सिंपल 1 to 100 नंबर है, मतलब टोटल अगर हम 10-10 का ग्रुप बनाएंगे तो कितने क्लास होंगे हमारे, 10 क्लास हो गए, है ना। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, यस एंड 90 to 100, तो कितने क्लास होंगे, 10, ये भी चलेगा। फिर भी आपको लग रहा है कि 10 बहुत ज्यादा होते हैं तो आप 5 बनाओ, मतलब 20-20 के क्लास, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 20-20 का गया बोथ द वे, ठीक है। लेकिन हो सके उतना आप ज्यादा एकदम, सी अगर हम 10 का ग्रुप बनाएंगे तो फिर हमको 10 क्लास लिखना होगा, ठीक है। तो बेटर है हम क्या करेंगे, 5 क्लास लिखेंगे। आप 10 लेके भी कर सकते हो, 5 का लेके भी, मतलब डिफरेंस 10 का या डिफरेंस 20 का। अगर 20 का लेंगे तो कैसा होगा स्टूडेंट, यस 0 to 20, मतलब 0 से 20 तक, 0 से 19.9 तक यहाँ पे आएंगे, देन 20 से यस 39.9, 40, 60, 20-20 का गैप, यस देन इसी से स्टार्ट करना है, 60, यस 80, लास्ट 80 to 100, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। हो गया ना 5 क्लास। अगर हम 10-10 का इंटरवल लेते, बीच में गैप लेते, क्लास विड्थ जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे क्लास विड्थ कितने है स्टूडेंट, 20, मतलब एक क्लास में 20 नंबर तक हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम 10 लेंगे तो क्लासेस क्या होगे, ज्यादा होगे, तो वैसे भी आंसर आएगा लेकिन थोड़ा और आपको और ज्यादा क्लासेस बनानी है, तो बेटर है हमने 20-20 का लिया। यू कैन टेक एनी स्टूडेंट, आप 10 लेके, इवन आप 5 लेके भी कर सकते हो, लेकिन वो तो और बड़ा होगा ना स्टूडेंट, 0 to 5, देन 5 to 10, 10 to 15, यस वो और बड़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू हम सुटेबल जो हमारे लिए होता है, ये सुटेबल है ना स्टूडेंट, 5 इज इनफ, यस हम ऐसे भी ले सकते हैं, बस क्लास जब हम फॉर्म कर रहे हैं तो क्लास विड्थ सबकी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे पहले में डिफरेंस दोनों में कितना है, 20 का, है ना, तो यहाँ भी देखो 20 है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, लास्ट इज ईयर टोटल। ओके स्टूडेंट, अगेन नाउ टेक 1 by 1 नंबर और कौन से क्लास में वो फिट होता है। फर्स्ट नंबर है 27, कहाँ पे फिट होगा स्टूडेंट, 27 ऑब्वियसली इट इज बिटवीन 20 to 40। नेक्स्ट 75 कहाँ पे आएगा, यस देन 5 फर्स्ट, 99 यस इन लास्ट, 70 12 है ना, इजी हो रहा है ना, 15 20 30 15 यहाँ पे आएगा, नहीं 15 20 यहाँ भी है, यहाँ भी कहाँ पे आएगा, यस नीचे का 20 देन 30 भी यहीं आएगा, 35 45 तो यहाँ पे है, 45 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 80 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, नाउ यू टेल मी, 80 यहाँ पे, 80 यहाँ पे आएगा, नो अपर लिमिट नहीं कंसिडर होगा, तो 80 यस यहाँ पे, वेरी गुड। नाउ टेल मी नेक्स्ट नंबर 77 विच क्लास, 77 यस दिस क्लास। नेक्स्ट 90 92
बोथ यहाँ पे 1992। नेक्स्ट 72 and 4। 72, 4। नेक्स्ट 33, 22। 33, 22। फिफ्थ वाला ऐसे ही करना है। यस 15, 20। यस सेकंड में आएगा। नेक्स्ट 15, 20, 28, 29। बोथ यहाँ पे 28, 29 then 14 है यहाँ पे। हो गया सेकेंड रो। नेक्स्ट 16, 20, 72। 16, 20, 72। 81, 85। यस 81 यहाँ ही आएगा, 85 भी इधर ही होगा। नेक्स्ट 10, 16, 9। 10, 16, 9 उसी ग्रुप में। 25, 23, 26। 25, 23, 26 एक ही ग्रुप में। 46, 55। 46, 55 इन वन ग्रुप। 56, 66। 56 के बाद 66 यहाँ पे आएगा। सॉरी स्टोरी यहाँ पे 4 है ना। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट 67, 51। 67, 51। 57, 44। 57, 44। 43, 6। 43, 6 कहाँ पे? यस इन द फर्स्ट। 65, 42। 65, 42। यस नेक्स्ट 36, 7। 36, 7। 37 है यहाँ। यस स्टूडेंट ना, तो फर्स्ट में कितना होगा स्टूडेंट? 5, 5, 10, 10+2, 12। 5, 5, 5, 15। यस 5 और 4, 9। 5, 6, 7, 8। 5 और 8, 6। ना अब टोटल आपका n कितना आना चाहिए स्टूडेंट? कितने मिल्कमैन थे? ऑलरेडी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 50। तो आपका इसका एडिशन क्या आना चाहिए? 50। 2 और 5, 7। 7 plus 9, 16। 16 plus 8, 24। 24 plus 6, it is 30। Carry 3, 3, 4, 5. Yes. Here n is 50. Is that clear, student? यहाँ पे क्या था? आपको क्लास इंटरवल क्लासेस आपको सुटेबल खुद ही चूज करना था। तो हमने 20 चूज करने के लिए सी क्या चाहिए आपको? यस क्लास विथ सेम चाहिए। तो आप 20 का गैप लेके करो 10 का, क्योंकि नंबर अगर इन शॉर्ट देखेंगे नंबर 5 से लेकर 100 तक है या 1 से लेकर 100। तो 1 से 100 में कितने नंबर होते हैं? 100 नंबर होते हैं। तो हम उसको 10-10 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 20-20 में भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल है। तो मैंने 20 लिख दिया है। 0 to 20, 20 to 24, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। क्लियर स्टूडेंट? अगेन वेरी सिंपल। अगेन सिर्फ आप नंबर जो लिख रहे हैं यहाँ पे पेंसिल से इधर टेक्स्ट बुक में कैंसिल करेंगे और यहाँ पे टैली मार्क देंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू 10th वन। लास्ट 38 पीपल डोनेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन। द अमाउंट इन रुपीज वेयर एज फॉलो।
कुछ जो डिसेबल होते हैं, कुछ हैंडीकैप ऐसे जो पीपल होते हैं, तो उनको किसी चीज में शायद पैर से किसी को प्रॉब्लम होगा, हाथ या कोई चल नहीं पाएंगे, कोई ठीक नहीं, ऐसे जो उसको बोलेंगे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो उनके जो वर्किंग उनके लिए जो काम करती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को किस लोगों ने क्या किया है, मनी डोनेट किया है, डोनेशन दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन को जो ऐसे लोगों के लिए काम करती है। द अमाउंट इज इन रुपीज, और अमाउंट कैसे रुपीज में है कि कितने रुपीज डोनेट किया है, और कितने पीपल ने डोनेट किया स्टूडेंट, 38 पीपल ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, 38 है। ओके अगेन किसी ने देते ना बोलते डोनेशन 101, 500, 501, ऐसे ज्यादातर 1-1 आगे लगाते ना, 101, 201, 501, अब जैसे उनकी जैसा है वो सर उन्होंने डोनेट किया है। सो व्हाट इज द फर्स्ट, बाय टेकिंग क्लासेस, नाउ अगेन क्लासेस उन्होंने मेंशन किया है, प्रिपेयर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके पहले हम फर्स्ट करेंगे, टेबल प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट, 10th वन इन दैट फर्स्ट वन, क्वेश्चन 10 इन दैट फर्स्ट वन, अगेन वी हैव टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दे हैव गिवन द क्लासेस, क्लासेस आर ऑलरेडी गिवन, एंड सी स्टूडेंट यहाँ पे जो क्लासेस है, यस दे आर इंक्लूसिव टाइप, इंक्लूसिव मीन यहाँ पे दोनों लिमिट्स कंसिडर हो गए, बोथ द लिमिट इंक्लूडेड, बोथ द लिमिट इंक्लूडेड, अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे अपर लिमिट भी इंक्लूड होगा, इंक्लूसिव क्लासेस डिसकंटिन्यूअस। सो इन फर्स्ट कॉलम यस क्लास डोनेशन इन रुपीज, क्लास डोनेशन है ना, डोनेट किए हुए डोनेशन इन रुपीज। यस नेक्स्ट इज अवर टैली मार्क्स, नाउ फ्रीक्वेंसी दैट इज व्हाट, यस नंबर ऑफ पीपल, हाउ मेनी पीपल डोनेट, नंबर ऑफ पीपल। ओके फर्स्ट उन्होंने बताया कैसे लेना है क्लास इंटरवल, यस 100 टू 149, 100 टू 149, देन उन्होंने स्टार्ट किया स्टूडेंट 149 के बाद क्या आता है, यस 150 टू यस 199, 50 का ये 49 का डिफरेंस है ईच में, यस देन 200 टू 249, देन 250 टू 299, यहाँ पे सिर्फ ईच क्लास 50 50 50 है, तो 349, 350, यस 2399, यस 400 टिल कहाँ तक लिया होना स्टूडेंट, यस 549 तक, 400 टू 449, देन 500 टू 590, सॉरी 550 आएगा ना, सॉरी 449 टू 550 होगा, समय कुछ चुकी है ना, हाँ ये होगा 450 टू 499, देन 500 टू 549, यहाँ तक लिया हूँ। हम यहाँ तक क्यों लिए स्टूडेंट, सी लास्ट नंबर क्या है स्टूडेंट, 549 से और है, मतलब 550 के ऊपर कुछ नंबर है क्या डोनेशन किया हुआ 550 तक, सी 500 है, 440 है, 450 है,
नो 500 के ऊपर नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ 500 एक है ना, इसलिए हमको ये भी लेना होगा 500 का है ना। इट इज गिवन इन यस सेकेंड इज ऑप्शन जो 500 का है, तो इसलिए हमें यहां तक 500 आने तक लेना होगा। आगे का यस ओनली स्टूडेंट 450, 499, 500 to 549। स्टार्ट किया उन्होंने, आपको 3 क्लासेस दिए, नेक्स्ट आपको वैसे ही क्लासेस फॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट, और तीर कहां तक करेंगे आप, क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर 500 है, यस तो हम 500 तक कंटिन्यू करेंगे। 400 to 449, 450 to 499, 500 to 549, लास्ट इज टोटल। स्टूडेंट नाउ अगेन आप क्या करेंगे, वन बाय वन कहां पे आता है कुछ लिखेंगे। 101, 100 से स्टार्ट होगा तो 101 यहाँ पे आएगा। सी यहाँ पे आप दोनों लिमिट इंक्लूड होंगे, 100 वाला भी यहाँ पे आएगा और 149 वाला भी यहीं पे आएगा। ओके 500 लास्ट, नेक्स्ट 401, 201, 201, 301, 160, next 210, 125, 210, 125, next 175, 190, 175, 190, next 450, 151, 450, 151, next 101, 351, 101, 351, 251, 451, 251, 451, next 451, 151, 260, 151, 260, yes, next 360, 360, 410, 150, 125, 150, 125, next 161, 195, 161, 195, yes, here. Now, 351, 170, 351, 170, yes. Next, 225, 260, 225, 260. Next, student. 290, 310, 290, 310, 360, 425, 360, 425, 420, 100, 420, 100, yes, 105, 170, 105, 170.
यस 250 100 तो पीपल हु डोनेट द अमाउंट बिटवीन 100 and 149 कितने हैं 100 to 149 5 6 7 पीपल 5 5 10 ओनली 3 5 2 4 4 2 1 टोटल स्टूडेंट कितना आना चाहिए टोटल कैपिटल एंड 38 पीपल ने डोनेट किया है तो ये कितना आना चाहिए 38 सी 7 + 3 10 10 + 10 20 20 + 5 25 26 27 28 29 30 31 35 36 37 38 तो हमारा आंसर इज करेक्ट Now, in that second question also the student, second question भी इसी का, what is second question? ये तो समझ में है ना? Proper class ले रहे और number लिख रहे हैं. Find the, from the table, हमने table form किया. Find the number of pupil who donated rupees 350 or more. 350 दिया है या उससे ज्यादा दिया है? ऐसे कितने people हैं? People डोनेटेड रुपीज 350 एंड मोर तो हम टेबल दे रहे फ्रॉम द टेबल सी स्टूडेंट टेबल में से 350 यस यहाँ से ये है 3 यहाँ तक तो 349 डोनेट किए गए 350 यहाँ पे डोनेट किए वो कितने हैं 4 350 के और 350 और मोर देन तो मोर देन में सब आए हैं सर सब मोर है 350 से 400 वाला 450 वाला इवन 500 सब 350 से मोर है तो ये सब आएंगे स्टूडेंट विच यस इंक्लूडिंग 350 उन्होंने बोला 350 और मोर सो हाउ मेनी टोटल 4 + 4 + 2 + 1 तो टोटल स्टूडेंट 8 9 10 11 सो देर आर 11 पीपल हु डोनेट अमाउंट 350 और मोर रिजल्ट क्लियर स्टूडेंट वेरी सिंपल सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है हमने पहले ही बनाया था 8 स्टैंडर्ड में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिर्फ हम अगर डेटा हमारा स्मॉल था तो हमने सिंगल सिंगल यहाँ पे हमें क्या करना है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसके लिए हमें क्लासेस लेने होते हैं समटाइम क्लासेस आर गिवन समटाइम नॉट गिवन तो आपको अकॉर्डिंग टू योर डेटा आपको सुटेबल क्लास लेने में सिर्फ क्लास लेने के लिए एक ही आपको ध्यान देना है स्टूडेंट कंटिन्यूस बनाना है मीन्स एक्सक्लूसिव 0 to 10 फिर 10 to 20 ऐसे और क्लास विड्थ सबकी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए गैप दो क्लास जो क्लास विड्थ रहती है अगर दो में 10 का है तो सब में 10 का डिफरेंस ही होना चाहिए इज दैट क्लियर स्टूडेंट नाउ हियर वी कंप्लीटेड अवर प्रैक्टिस सेट 7.3 नाउ नेक्स्ट वी विल सी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी